पवित्र बाइबल के बारे में एक परिचय देना चाहता हूँ। आप में से सबके पास जो पेपर है वो इस विषय की रूपरेखा बताता है, और प्रभु ने मदद की तो विस्तार से लिखित रूप से भी मैं आपको दूंगा, लेकिन आज मैं जो आपको बता रहा हूँ उसके लिए ये रूपरेखा पर्याप्त है। पहला प्रश्न जो हमारे मन में आता है वो ये है कि हम सत्संग में आते हैं, सत्संग में बाइबल का अध्ययन क्यों करें, बाइबल के बारे में क्यों अध्ययन करें। ये दोनों प्रश्न हमारे मन में आते हैं। इसका उत्तर यह है कि दुनिया में अच्छे विषय तो हर जगह मिल जाते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल भर में परलय होगा तो बहुरी करेगा कब, मतलब जो कल करना है आज करो, जो आज करना है आप करो, यदि पल भर में प्रलय हो गया तो फिर तुम कब करोगे। इस तरह की अच्छी शिक्षाएं सारी दुनिया में मिल जाती हैं, लेकिन हमारा जीवन यदि सही दिशा में जाना है तो अच्छे विषय ही पर्याप्त नहीं है, सही विषय और सही दिशा मिलनी चाहिए। उसके बारे में प्रभु का वचन यह स्पष्टतया बताता है कि मनुष्य को इस पाप से भरे हुए जीवन से सही जीवन में जाने के लिए जो सही विषय चाहिए और जो सही दिशा चाहिए वो सिर्फ प्रभु के वचन में मिलता है। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु के एक शिष्य ने प्रभु से कहा, इसको हम देखते हैं प्रभु यीशु की जो चौथी जीवनी है यूहन्ना उसके 6:68 में, प्रभु के एक बहुत ही महान शिष्य थे शमौन, जिनको पत्रस भी कहा जाता है, शमौन पत्रस ने प्रभु को उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाएं, अनंत जीवन की बातें तो सिर्फ आपके पास हैं। दुनिया में अच्छी बातें सब जगह मिल जाती हैं, लेकिन शाश्वत जीवन से संबंधित बातें सिर्फ प्रभु के वचन में मिलती है, और इस कारण प्रभु के वचन का नियमित अध्ययन हम में से हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। ना केवल प्रभु के वचन का अध्ययन करना है, प्रभु के वचन के बारे में भी अध्ययन करना है कि प्रभु का वचन हमको कैसे मिला, कब मिला, किसके द्वारा मिला, और किस तरह से ये हमारी मातृभाषा में हमारे पास आया है। इसके आगे हम देखते हैं इसी पुस्तक के 17:7 में प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कीजिए, आपका वचन पवित्र है। प्रभु अपने स्वयं के वचन के बारे में बोलते हैं, यदि हम जो इस संसार में हैं हमारा जीवन पवित्र होना है तो पवित्र होने के लिए ये जरूरी है कि प्रभु का वचन हमारे जीवन में हो। हमारे जीवन में सामान्यतया जो बातें होती हैं वे बातें हमको पाप की ओर ले जाती हैं, गलत कामों की ओर ले जाते हैं, इसीलिए तो बच्चों को झूठ बोलना नहीं सिखाना पड़ता, गलत काम करना नहीं सिखाना पड़ता, अपने आप करते हैं। प्रभु का वचन कहता है सत्य, प्रभु का वचन सत्य है, और जब हम इस सत्य वचन का अध्ययन करेंगे तब सत्य वचन हमको पवित्र करेगा। इसी पुस्तक के महान ग्रंथ के बीचों बीच 150 अध्याय का एक ग्रंथ है जिसको भजन संहिता कहा जाता है। भजन संहिता का मतलब है भजनों का संग्रह। प्रभु यीशु के आने से पहले पुराने नियम में वे लोग भजन कीर्तन के लिए जो गाने यूज करते थे वे गाने हैं भजन संहिता में। इन गानों में सबसे बड़ा गाना है भजन 119। उसके 105वें श्लोक में पढ़ते हैं, प्रभु आपका वचन मेरे पैर के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आपके हाथ में जो नोट्स हैं और मैं जो बोल रहा हूँ उसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर इसलिए है कि जिस मूल भाषा में प्रभु का वचन लिखा गया था मैंने उसका अध्ययन किया है। कितने साल? कम से कम 50 साल। तो इस कारण मैं मूल भाषा से अनुवाद करता चला जा रहा हूँ
आज की हिंदी में, ठीक है? तो लिखे में और मेरे बोल में जो फर्क है उसका कारण अध्ययन के आधार पर आज की हिंदी में मैं अनुवाद करता जा रहा हूँ। तो भजन 119 के 106 में लिखा है, आपका वचन मेरे पाँव के लिए रोशनी है, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। पाँव के लिए रोशनी का मतलब क्या? संसार में जब हम चलते हैं तब सही दिशा क्या है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें हमको प्रभु के वचन से मिलती हैं, मनुष्य की शिक्षा से नहीं। आप कहेंगे, शास्त्री सर मनुष्य भी तो अच्छी शिक्षा देते हैं। हाँ हाँ, कुछ मनुष्य अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन एक बात बताइए, 50 डाकुओं का जो गैंग है उसमें सबसे ऊपर जो मुखिया जो डाकू है वो भी तो अपने शिष्यों को शिक्षा देता है, फलाने को मार डालना, फलाने का खून कर डालना, फलाने का पैर तोड़ देना, उसका हाथ तोड़ देना, और फलाने को ये सब दिखा देना और बोलना कि अगले हफ्ते तक यदि 50 लाख रुपए हमारे दरवाजे पे नहीं पहुँचे तो यही तुम्हारी हालत होगी, और यदि एक भी दिन देर हुई तो तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बच्चे, तुम्हारे भाई बहन सबका यही हाल होगा। ये भी तो शिक्षा है, मनुष्य की दी हुई सारी शिक्षाएं उपदेश वो सही नहीं होते, लेकिन प्रभु के वचन के बारे में लिखा हुआ है कि प्रभु का वचन हमारे रास्ते को, हमारे जीवन में सही रास्ता दिखाता है, सही रोशनी देता है, ठीक है? तो दूसरा प्रश्न जो हमारे सामने आता है, दूसरा पॉइंट, कि ठीक है शास्त्री सर, ये एक महान ग्रंथ है जिसके द्वारा प्रभु का वचन हमको मिलता है, कैसे लिखा गया था? मेरे आपके सामने तो लिखा नहीं गया था। शायद आप पूछेंगे, शास्त्री सर आपके सामने लिखा गया था कि? जी नहीं, मेरे या मेरे बाप दादों के सामने नहीं लिखा गया था। ये महान ग्रंथ आज से हजारों साल पहले लिखा गया था। लिखने के लिए प्रभु ने कुछ विशेष लोगों को चुना था, मेरे आपके समान जो सामान्य लोग हैं ऐसे नहीं, प्रभु ने कुछ विशेष लोगों को चुना था। उसके बारे में इसी महान ग्रंथ में दूसरा पत्रस नाम का एक लघु ग्रंथ है जिसके पहले अध्याय के 21वें पद में लिखा है, कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। मतलब इसमें जो लिखा गया है मनुष्य की इच्छा से नहीं आया है, भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर प्रभु की ओर से बोलते थे। तो प्रभु का वचन जो लिखा गया ये मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य का ज्ञान और मनुष्य की इच्छा से नहीं लिखा गया। ये महान ग्रंथ तब लिखा गया जब प्रभु ने मनुष्यों के बीच में भविष्यवक्ता, भविष्यवक्ता कौन? जो भविष्य के बारे में बताने के लिए जिनको प्रभु ने स्वयं नियुक्त किया, उन लोगों को पवित्र आत्मा की प्रेरणा हुई कि ऐसा लिखो, तब उन्होंने लिखा, और इस तरह से लिखने के कारण इस ग्रंथ की रचना हुई। कितने लोगों ने रचना की, कब रचना की, अभी हम देखेंगे, क्षण भर जरा इंतजार करें। तो एक बात प्रभु का वचन स्पष्टतया हमको बताता है कि प्रभु के वचन का हर ग्रंथ, इसके अंदर 66 लघु ग्रंथ है, इसमें से हर ग्रंथ, हर पन्ना, हर अध्याय, हर पद पवित्र आत्मा की प्रेरणा से और पवित्र आत्मा की इच्छा से लिखा गया है। आप कहेंगे, शास्त्री सर आप ग्रंथ और लघु ग्रंथ आदि की बात कर रहे हैं, क्या बात है? उसको थोड़ा सा पहले मैं स्पष्ट कर दूं। आप बाइबल खोलेंगे तो ऊपर लिखा है पवित्र बाइबल, अंदर जाएंगे तो शुरू में लिखा है पुराना नियम, उससे 2/3 इस पुस्तक को पलट देंगे तो वहां लिखा हुआ है नया नियम। तो बाइबल में इस तरह से 2 हिस्से हैं, एक प्रभु यीशु के संसार में पधारने से पहले लिखा गया था, इसलिए उसको पूर्वार्ध बोलते हैं, प्रभु के आने के पहले जो लिखा गया था। बाद में नया नियम जिसे कहा जाता है वो प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बाद लिखा गया था, इसलिए उसको उत्तरार्ध बोला, उत्तर का मतलब है बाद में।
तो प्रभु के पहले जो लिखा था उसको पूर्वार्ध कहा जाता है या पुराना नियम कहा जाता है। प्रभु के आने के बाद, प्रभु के स्वर्गारोहण के बाद जो लिखा गया था उसको नया नियम या प्रभु के बाद लिखा गया था, इसलिए उत्तरार्ध बोला जाता है। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध को लिखने में लगभग 40 लेखक लगे थे। प्रभु ने 40 लेखकों का उपयोग किया इस महान ग्रंथ की रचना के लिए। हो आप पूछेंगे कि शास्त्री सर हिंदी में लिखा गया था? जी नहीं, हिंदी में नहीं लिखा गया था, ना ही हिंदुस्तान में लिखा गया था। यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर मध्य पूर्व इसराइल और उसके आसपास के प्रदेशों में लिखा गया था। इस कारण, और इतना ही नहीं, आज या कल नहीं, आज से हजारों साल पहले लिखा गया था। इस कारण हजारों साल पहले वहाँ जो भाषा बोली जाती थी उन भाषाओं में रचना हुई। पूर्वार्ध की रचना इब्रानी नामक भाषा में हुई। इब्रानी भाषा की विशेषता है अपन लेफ्ट साइड से राइट साइड को लिखते हैं। इब्रानी भाषा राइट साइड से लेफ्ट साइड को लिखी जाती है। उस भाषा में पूर्वार्ध की रचना हुई। उत्तरार्ध की रचना हुई यूनानी भाषा में। तो बाइबल में कुल मिलाकर मुख्य रूप से दो भाषा, बाइबल की रचना मुख्य रूप से दो भाषाओं में हुई, इब्रानी भाषा में और यूनानी भाषा में। आप पूछेंगे तो शास्त्री सर ये हिंदी में आपके हाथ में कैसे आ गए? थोड़ा सा सब्र करें, वो भी मैं बताऊंगा। पहले जरा ये देखें कि इब्रानी और यूनानी भाषा में कहाँ लिखा, कैसे लिखा। पेपर होता था क्या उस समय? जी नहीं, पेपर नहीं होता था। पेपर का आविष्कार तो प्रभु यीशु से भी 100 साल के बाद हुआ, जबकि तब तक तो ये सारी पुस्तकों की रचना हो चुकी थी। किसी जमाने में जब पूर्वार्ध लिखा गया था उस समय चमड़े के लंबे लंबे टुकड़े मिलते थे स्कूलों में। पता नहीं आप में से कितने लोग टाट पट्टी पर बैठे हैं। मेरी पढ़ाई टाट पट्टी पे, हाँ, लंबी सी टाट पट्टी, बहुत बढ़िया। चमड़े को, अच्छी क्वालिटी के चमड़े को काट काट कर जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं तो टाट पट्टी नुमा बहुत लंबी पट्टी बन जाती है। उसके बाद उसको चिकने पत्थर से घिसा जाता है। इस तरह से घिस घिस के वो जो टाट पट्टी नुमा चमड़े की पट्टी है वो लिखने लायक हो जाती है। उसके ऊपर लिखते थे पुराने जमाने में। अच्छा, पतंग यहाँ सबने उड़ाया होगा। पतंग का जो धागा होता है, हमारे इलाके में मंजा या मांजा बोलते हैं, उसको कहाँ लपेटते हैं? चरखी पे। तो ये जो चमड़े की जो लंबी पट्टी होती थी इसको इतने ही उसके लायक बड़ी चरखियों पे लपेटा जाता था। आजकल शहर में सब जगह वो केबल खींच रहे हैं, आपने देखा होगा केबल बड़ी चरखियों पे लिपट कर आता है। तो ये पुस्तकें ना तो उतनी बड़ी चरखी होती थी, ना ही पतंग का जो पतंग की जो चरखी होती छोटी होती थी, एक 50 किलोग्राम की चरखी पे इसको लपेटा जाता था। इसके हिस्से 5-5, 10-10 किलो की चरखियों पे लपेटा जाता था। तो आप कहेंगे कि शास्त्री सर फिर तो किताबों को प्रोड्यूस करना बहुत ही मुश्किल काम रहा होगा। जी हाँ, बहुत मुश्किल काम था, श्रम बहुत लगता था, चमड़ा सस्ता नहीं होता था, पैसा बहुत लगता था, और उस समय मशीनें तो होती नहीं थी, हाथ से लिखा जाता था। लेकिन इस तरह से लिख लिख कर उन्होंने उसकी कॉपी बनाई। लेकिन हजारों साल के बाद, इसको लिखने के हजारों साल के बाद, ये समझ लीजिए लगभग 300-400 ईस्वी के आसपास एक और मटेरियल मिल गया उनको। अपने उत्तर भारत में नहीं होता है, लेकिन उत्तर भारत में जो गन्ना होता है, गन्ने के पत्ते आप लोगों ने देखे हैं,
ऐसा ही एक पौधा मध्य पूर्व में हुआ करता था। फर्क यह कि गन्ने का पत्ता पतला होता है, पतला और लंबा होता है, लेकिन मध्य पूर्व में पेपिरस नाम का जो पौधा होता था उसका पत्ता इसी तरह से लंबा होता था और थोड़ा सा मोटाई लिए हुए होता था। उस पत्ते को बीच में से चीर सकते थे, इतना मोटा होता था। तो वो उन लोगों ने क्या किया कि इन पत्तों को लेकर चीर कर जिस तरह से कपड़ा बीना जाता है, ताना बाना इस तरह से ये पेपिरस का ताना बाना बुनकर बहुत बहुत बड़े बड़े चद्दर तैयार कर लेते थे, उसको धूप में सुखाते थे। तो इस तरह से पेपिरस को धूप में सुखाने पर पेपिरस का चौड़ा या लंबा पेपिरस के चद्दर बन जाते थे। उस चद्दर को फिर अच्छी तरह से चिकनी मिट्टी लगाकर अच्छी तरह से उस पर पॉलिश करते थे तो लिखने की सामग्री बन जाती थी, चमड़े से सस्ता पड़ता था और ये पौधा हर जगह होता था। उस पे तो चमड़े के बाद ये सस्ता जो मटेरियल आया तो उस पे किताबें कॉपी करने लगे। आज अपन लोग इसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में पेपर बोलते हैं, है ना? ये वहीं से आया है, पेपिरस नाम से पेपर आया है, क्योंकि पेपिरस पेपर का दादा है। नाना समझ लो, कुछ भी समझ लें, ठीक है। पेपिरस जब आ गया तो उसके ऊपर लिखने लगे। 100 ईस्वी के आसपास कागज का आविष्कार हुआ। कागज का आविष्कार हुआ तो फिर तो लिखने की सामग्री पर्याप्त हो गई और तब से पवित्र बाइबल कागज पर लिखा जाने लगा। हजारों साल इस तरह से पेपर पर लिखा गया। फिर क्या हुआ, आज से 500 साल पहले प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ। 500 या 550 साल पहले पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ। उसके साथ दुनिया की काया पलट हो गई। क्यों? तब तक पेपर भी बहुत मात्रा में बनने लगा और प्रिंटिंग प्रेस पर तो आप मिनटों में कितने सारे पेपर प्रिंट करके निकाल सकते हैं। प्रिंट करने से पहले आप प्रूफ रीडिंग वगैरह कर लें तो उसमें गलतियां सुधारी जा सकती हैं। ये है किस तरह से लिखकर हमारे पास आया इसका इतिहास, ठीक है। अब जरा फिर से पूर्वार्ध की ओर चलें। पुराना नियम, पुराने नियम को यदि खोलें तो ये देखेंगे कि उसमें छोटे छोटे ग्रंथ हैं। पहले ग्रंथ का नाम है उत्पत्ति, दूसरे का नाम है निर्गमन। इन नामों के पीछे कारण है जो प्रभु ने मदद की तो भविष्य में कभी हम देखेंगे। उत्पत्ति, निर्गमन, लेव्य व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, यहोशू, न्यायों, रूत, पहला शमूएल। आप पूछेंगे शास्त्री सर आपको याद है क्या? 5 साल की उम्र से पहले हमारे माँ बाप ने यह सब हमको याद करवा दिया था, वरना रात को रोटी नहीं मिलती थी। उनका कहना था प्रभु का वचन जो है उसको सीखो बच्चे। प्रभु ने आप में से किसी के सामने ऐसी तो स्थिति नहीं रखी, लेकिन आज शाम को मेरे एक अनुरोध है। यहाँ पर ऐसे कई भाई और बहन हैं जिन्होंने प्रभु यीशु के द्वारा पाप से क्षमा और मुक्ति पाई है। इन भाई और बहनों से मेरा अनुरोध है, बाइबल में पुस्तकों के जो नाम हैं इनको जरा याद कर लें। आप कहेंगे शास्त्री सर कैसी बात करते हैं, इन पुस्तकों के नाम कोई याद कर सकता है क्या? अच्छा एक बात बताएं, हम में से ज्यादातर लोग एक 3 घंटे का पिक्चर देखते हैं। पिक्चर देखने को मैं यहां पे अनुमोदन नहीं कर रहा, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं उसके आधार पर। 3 घंटे की पिक्चर देखने के बाद यदि किसी से पूछो कि 3 घंटे में क्या देखा, तो एक एक मिनट में उसमें आपने जो देखा उसका वर्णन करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। मनुष्य की बुद्धि और मनुष्य की स्मरण शक्ति में इतनी ताकत है, 3 घंटे का प्रोग्राम याद कर सकते हैं। तो अरे बाइबल के 66 पुस्तकों का नाम याद करना कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ सिर्फ इच्छा की बात है।
प्रभु ने मदद की। तो अगले हफ्ते बाइबल की जो 66 पुस्तकें हैं उनके नाम मैं प्रिंट करके यहाँ लाके आपको दूंगा। मेरा अनुरोध है कि इनको जरा याद कर लें, देखते हैं सबसे पहले कौन याद करता है। मैंने तो 5 साल की उम्र के पहले इनको याद कर लिया था, और हमारे पापा तो इतने स्ट्रिक्ट थे कि आगे से पीछे, पीछे को आगे नाम बोलने को बोलते थे। मैं बोलता था अब बुढ़ापे में पीछे से आगे को तो बोलना याद नहीं रहेगा, लेकिन अभी भी उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती व्यवस्था, विवरण बहुत आसानी से याद आता है। तो जरा याद कर लें, ठीक है बच्चे लोग? तुम लोग यदि उसको याद करके आओगे तो तुम लोगों को हम स्पेशल इनाम देंगे, ठीक है। बल्कि यहाँ जितने युवा लोग हैं सबको कोई ना कोई पुरस्कार दिया जाएगा। आप पूछेंगे युवा कौन है? जो भी मुझसे उम्र में छोटा है उसको मैं युवा मानूंगा, ठीक है। अच्छा, पुराने नियम हुआ उसमें उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक 39 पुस्तकें हैं। उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, यहोशू, न्यायियों, रूत, पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, आगे जाके भजन संहिता, नीति वचन, सभोपदेशक, श्रेष्ठ गीत, यशाया, यर्मिया, और आगे जाते हैं तो दानियल, होशे, योएल, आमोस, ओबद्या, योना, मीका, नहुम, हब्बकूक, सपन्या, आगे जकरिया, मलाकी। मलाकी पे जाके पूर्वार्ध की पुस्तकें समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। ये 39 किताबें, 39 किताबें हैं, इनकी रचना प्रभु यीशु से 1500 साल पहले रचना का आरंभ हुआ था, मतलब ईसवी पूर्व 1500 में इनकी रचना का आरंभ हुआ और ईसवी पूर्व 400 में आखिरी पुस्तक लिखी गई। आखिरी पुस्तक का नाम मैंने अभी क्या बताया था? मलाकी। उत्पत्ति की रचना हुई 1500 ईस्वी पूर्व, मलाकी की रचना हुई 400 ईस्वी के आसपास। उसके बाद हम आते हैं नए नियम की ओर या उत्तरार्ध की ओर। नए नियम में 27 पुस्तकें हैं जिनमें शुरू की पुस्तकों का नाम हम सब जानते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, क्योंकि इन चारों में प्रभु यीशु की जीवनी मिलती है। लेकिन उसके बाद भी पुस्तकें हैं, प्रेरितों के काम, हाँ, उसके बाद क्या है, गलातियों, एफिसियों, प्रेरितों के काम के बाद आता है रोमियों, ठीक है, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, गलातियों, एफिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये पुस्तकें कब लिखी गई? इन पुस्तकों की रचना ईसवी 40 के आसपास स्टार्ट हुई। सी, प्रभु यीशु स्वर्गारोहण कर गए ईसवी 33 में, और प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के साल भर के बाद लोगों ने लिखना शुरू किया। पहली पुस्तक की रचना कंप्लीट हुई ईसवी 40 में। प्रभु यीशु के जो 12 शिष्य थे उनमें से एक महान शिष्य मत्ती रचित शुभ संदेश की कॉपी लेके हिंदुस्तान आए थे, और कोई ज्यादा दूर यहीं पास में कुडंगल्लूर नाम की जगह है, वहां नदी में आजकल जहाज नहीं आते, लेकिन उस जमाने में एक भूकंप आने के कारण उसकी गहराई कम हो गई है, लेकिन भूकंप से पहले गहराई इतनी थी कि वहां तक जहाज आते थे मध्य पूर्व से। तो प्रभु यीशु के एक शिष्य मत्ती नामक शुभ संदेश की कॉपी लेकर ईसवी 50 में कुडंगल्लूर उतरे थे, ठीक है, ये आपकी जानकारी के लिए। पहली पुस्तक की रचना हुई 40 ईसवी में। 27वीं जो पुस्तक है बाइबल में उसकी रचना हुई 70 ईसवी के आसपास। कुल मिलाकर पुराने नियम में जो पुस्तकें हैं इनकी रचना 30 साल में हुई, ठीक है। और इन सारी पुस्तकों की रचना यूनानी भाषा में हुई। पुराने नियम की रचना हुई इब्रानी भाषा में, नए नियम की रचना हुई यूनानी भाषा में। हम अध्ययन के लिए आजकल नए नियम का उपयोग करते हैं इन दिनों यहाँ सत्संग में, तो जरा नए नियम की तरफ मुड़ेंगे।
नए नियम की कॉपियां यहां अक्सर सामने रखी जाती हैं, जिनको भी चाहिए वे मांग कर ले सकते हैं। नए नियम की जो 27 पुस्तकें उनको हम देखें तो शुरू की जो चार पुस्तकें हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये चारों प्रभु यीशु की जीवनियां हैं। चार लोगों ने प्रभु की जीवनी लिखी। क्यों? किसी भी व्यक्ति की जीवनी को कोई भी व्यक्ति परफेक्ट तरीके से नहीं लिख सकता। मेरी वाइफ से कहो कि हस्बैंड की जीवनी लिखो तो अपने नज़रिए से लिखेगी, बेटी से कहो लिखो तो वो अपने नज़रिए से लिखेगी, बेटे से कहो तो वो अपने नज़रिए से लिखेगा। इसमें से कौन सा नज़रिया सही है? सभी नज़रिए सही हैं, और इसलिए एक व्यक्ति के बारे में जानना हो तो कम से कम 3-4 लोगों से पूछना होगा। तो इसलिए प्रभु ने दया की कि प्रभु के 4 अनुयायियों ने प्रभु के जीवन के बारे में लिखा। तो बाइबल के पुराने नए नियम की जो 27 पुस्तकें हैं, इनमें से शुरू की जो 4 पुस्तकें हैं, ये प्रभु यीशु की जीवनियां हैं, जिसमें पहली जीवनी है मत्ती। मत्ती उस जमाने का इनकम टैक्स ऑफिसर था। इसका मतलब है कि लेख लिखाने के मामले में, रिकॉर्ड कीपिंग के मामले में आदमी बहुत पक्का था। प्रभु ने ऐसे व्यक्ति को इसलिए चुना जिससे कि प्रभु यीशु के जीवन को बहुत ही सही सही सटीक तरीके से हमको दे। दूसरी जीवनी की रचना की मरकुस ने। मरकुस प्रभु यीशु के परम भक्त पत्रस नाम के शिष्य का साथी था। तो जब भी पत्रस जहां भी जाता था प्रभु के बारे में बोलता था, यह सब सुन सुनकर। उसके अलावा प्रभु को मरकुस ने जो देखा था उसके आधार पर प्रभु के जीवन का वर्णन किया। एक आम आदमी था, तो पहला लिखा इनकम टैक्स ऑफिसर ने, दूसरा लिखा आम आदमी ने, तीसरा लूका डॉक्टर था, अपने जमाने का पहुंचा हुआ डॉक्टर था, इतिहास का एक्सपर्ट था। उसने इस आधार पर लूका की रचना की। चौथा फिलोसोफर था यूहन्ना। फिलोसोफर और इतना ही नहीं, प्रभु के वचन का अच्छा ज्ञाता था, उसने उस हिसाब से लिखा। ठीक है, तो प्रभु की 4 जीवनियां। उसके बाद एक पुस्तक है, 5 पुराने नए नियम में 5वीं पुस्तक का नाम है प्रेरितों के काम। प्रेरित प्रेरित प्रेरितों शब्दों का आजकल अपन उपयोग नहीं करते हैं, इस कारण उसका मतलब भूल जाते हैं। आज की भाषा में यदि उसका अनुवाद किया जाए तो अनुवाद यह होगा, बुलाकर बुलाकर भेजे गए लोगों के कार्यों का वर्णन। मतलब प्रभु ने कुछ लोगों को बुलाया, उनको जिम्मेदारी दी और कहा जाओ और मेरे लिए ऐसा करो, तब उन लोगों ने जाकर किया, यह उसका वर्णन है। इसलिए इसका नाम है प्रेरितों के कामों का वर्णन। इसके बाद अगली 21 पुस्तकें लेखों के रूप में लिखी गई हैं। आप पूछेंगे पुस्तक कहां, लेख कहां? हां, आजकल तो लेख खासकर अखबार देखें तो 200 से 400 शब्दों का होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। किसी जमाने में लोग लेख लिखते थे तो 8-8, 10-10, 50-50, 100-100, 200-200 पन्ने का लिखा करते थे। इवन आधुनिक भारत में अपने जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपनी पुत्री को जो पत्र लिखे थे, उन पत्रों का कलेक्शन इतना मोटा है, पुस्तक के रूप में उपलब्ध है। तो आज से 2000 साल पहले जब प्रभु के महान दास लोग प्रभु के बच्चों को पत्र लिखते थे तो ये पत्र बहुत लंबे होते थे, लेख होते थे और उसमें उपदेश विषय होते थे। तो अगली जो 21 पुस्तकें हैं इसमें लेखों के रूप में, पत्रों के रूप में उपदेश है। उसके बाद नए नियम की सबसे आखिरी पुस्तक आती है, यूहन्ना का
प्रकाशित वाक्य या प्रकाशन। प्रभु के महान शिष्य यूहन्ना, उन्होंने दर्शन देखा, भविष्य में क्या होने जा रहा है इसको प्रभु ने कई प्रकार की कहानियों, उदाहरणों और चित्रों के द्वारा बताया। वो है 27वीं पुस्तक, ये है नया नियम। ठीक है, आप पूछेंगे इसमें से किस पुस्तक का अध्ययन शुरू किया जाए। जिन लोगों ने हाल ही में प्रभु यीशु के द्वारा पाप क्षमा पाई है, उनसे मेरा अनुरोध है कि वे लोग शुरू की जो चार पुस्तकें हैं, बार बार इन पुस्तकों का अध्ययन करें। इन पुस्तकों में ना केवल हमको इतिहास मिलता है, बहुत सारे उपदेश मिल जाते हैं। ठीक है, बाद में अन्य पुस्तकों को पढ़ना शुरू करें। आप कहेंगे ठीक है शास्त्री सर, इतनी बातें समझ में आ गई, अब क्या करना है, अब क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये प्रभु के वचन से ही मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। प्रभु के वचन में शुरू से जो पांचवी पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है व्यवस्था विवरण। उसके चौथे अध्याय के दूसरे पद में या दूसरे श्लोक में हम इस तरह से पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 4:2, जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूं उसमें ना तो कुछ बढ़ाना ना कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूं उन्हें तुम मानना। मतलब प्रभु के वचन में हमको प्रभु ने अपने महान दासों के द्वारा लिखित रूप से जो भी दे दिया है, ये सबसे आखिरी पन्ने पर है, प्रभु ने जो भी हमको दे दिया है उसको ऐसा का ऐसा मानना है, ना तो घटाना है ना बढ़ाना है। वो अपन हिंदी में कहते हैं ना, पंचों की आज्ञा सर आंखों पर। प्रभु की जो आज्ञा है, जो प्रभु ने अपने दासों के द्वारा लिखित रूप से हमको दिया है, उसे बिल्कुल हमें वैसे ही लेना है। हे प्रभु, आपकी आज्ञा सर आंखों पर रखता हूँ, मैं आपका दास, ना तो इसमें कोई जोड़ करेगा ना घटाएगा। मतलब यदि प्रभु का वचन एक विषय के बारे में कहता है तो हम उसको नकारे नहीं, और प्रभु के वचन में जो नहीं कहा गया है उसको अपनी तरफ से जोड़े नहीं। आप कहेंगे कि शास्त्री सर, थोड़ा बहुत जोड़ घटा दें तो क्या फर्क पड़ता है, किसको मालूम पड़ता है। बाइबल की जो सबसे आखिरी पुस्तक है प्रकाशित वाक्य, उसके 22:18 में इसका जवाब दिया हुआ है। प्रभु स्वयं इसका जवाब देते हैं। प्रकाशित वाक्य 22:18 में लिखा हुआ है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है उनको गवाही देता हूं कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो प्रभु उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उन पर बढ़ाएगा। इसका क्या मतलब है? प्रभु ने हमको लिखित रूप में जो दिया है उसमें जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं करना है, करेंगे तो उसकी सजा मिलेगी। आप लोग जानते हैं मनुष्य के नियम। कल मेरी इच्छा होती है कि गाड़ी पर लाल बत्ती लगाऊं और मैं अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती लगा लूं अफसरों के समान। फिर इच्छा होती है कि एक वो जो अशोक का जो की जो त्रिमूर्ति है उसका गाड़ी पे चिपका दूं। क्या होगा भैया? मेरी गाड़ी पे ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपना नाम लिख सकता हूँ, मैं अफसर नहीं हूँ, नेता नहीं हूँ, इसलिए लाल बत्ती लगाने की आज्ञा नहीं है, लगाऊंगा तो उसकी सजा है। और वो जो त्रिमूर्ति है अशोक, उसका उपयोग तो बहुत ही कम लोग कर सकते हैं, बहुत कम लोगों का अनुमति है। मनुष्य के बनाए हुए कानून इतने कड़े हैं कि यदि जिसकी हमको अनुमति नहीं है उसको हम अपने वाहन पर जोड़ें तो उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तो प्रभु का वचन तो बहुत बड़ी चीज है, उसमें ना तो जोड़ करना है ना बाकी करना है। जोड़ बाकी गुणा भाग मतलब ना तो जोड़ना है ना घटाना है। यदि कोई उसमें से घटाएगा, मतलब प्रभु के वचन में जो लिखा है, यदि कोई उसका इनकार करेगा तो प्रभु का वचन कहता है
कि प्रभु के वचन में जो कुछ कहा गया है, जो विपत्तियां हैं, सब उस व्यक्ति पर पड़ेंगी। ठीक है, प्रभु के वचन के बारे में इतना परिचय देने के बाद एक आखिरी प्रश्न का जवाब मैं देना चाहता हूँ, वो ये है कि ओके शास्त्री सर, पहले पुस्तक की रचना हुई 3500 साल पहले, आखिरी पुस्तक की रचना हुई आज से लगभग 2000 साल पहले, तो ये हमारी लैंग्वेज में कैसे आ गया? उसका उत्तर मैं आपको दे रहा हूँ। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु के शिष्य, महान शिष्य संत थॉमस, या अंग्रेजी में सेंट थॉमस, मत्ती नामक पुस्तक को लेकर हिंदुस्तान में आए। जब वे हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने लोगों को उसमें से शिक्षाएं देनी शुरू की। हिंदुस्तान एक बहुत ही ज्यादा शिक्षित देश था। आप जानते हैं दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटीज कहाँ हुई थी? दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज कहाँ थी? नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुना है क्या? पटना वाले तो यहाँ कई बैठे हुए हैं, उनको घमंड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ये दो दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं। इस कारण एजुकेशन हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा था। और संत थॉमस जब प्रभु यीशु की जीवनी लेकर हिंदुस्तान आए, तुरंत उसका अनुवाद भी चालू हो गया। पिछले 2000 साल में प्रभु के वचन का अनुवाद इसलिए हिंदुस्तान में होता ही आया है। फर्क इतना है कि पिछले 200 सालों में अनुवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि प्रिंटिंग मशीन सभी भाषाओं में प्रिंट करने की सुविधा वगैरह हो गई है। हिंदी बाइबल का अनुवाद आज से लगभग 200 साल पहले होना चालू हो गया था। ऐसी कई भारतीय भाषाएं हैं जिनमें अनुवाद उसके पहले ही चालू हो गया था। आज भारत की सभी मुख्य भाषाओं में संपूर्ण बाइबल उपलब्ध है। बाइबल का उत्तरार्ध सैकड़ों भाषाओं में उपलब्ध है। और प्रभु यीशु की जो जीवनी है वो तो और भी ज़्यादा भाषाओं में उपलब्ध है। तो आज यदि पवित्र बाइबल मेरे आपके हाथ में है, तो हमें आभार मानना चाहिए उन लोगों का जिन्होंने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चमड़े पर लिखा, कॉपी करके पीढ़ी दर पीढ़ी देते गए, पेपिरस पर लिखा, कॉपी करके पीढ़ी दर पीढ़ी को देते गए, फिर पेपर पर लिखा, कॉपी करके, मतलब कॉपी से मेरा मतलब है हस्तलिखित, देते गए। और प्रभु भला करे गुटेनबर्ग का, जिसने छापे खाने का आविष्कार किया, जिसके कारण पेपर पर किताबों को छापकर सैकड़ों और हजारों कॉपीज छापना बहुत आसान हो गया। प्रभु ने अपने पवित्र बाइबल को इस तरह से 40 के करीब लोगों के द्वारा 1500 सालों में लिखवा कर आज हमारी अपनी भाषा में बहुत आसानी से उपलब्ध करवा दिया है। आज हिंदी में अच्छे पेपर पर छपा हुआ ये जो पवित्र बाइबल है लगभग 1 किलो वजन का है। मेरे परदादा के ज़माने में हिंदुस्तान में जो बाइबल हुआ करते थे वो मोटे पेपर पर छपते थे। मेरे परदादा उसको एक कपड़े में लपेटकर यूं कंधे पर रख के चर्च जाते थे, हाथ में उठा के नहीं ले जा सकते, इतना वजन होता था। मैं कब की बात बता रहा हूँ? आप पूछेंगे शास्त्री सर ये कितने साल की बात है? ये मैं लगभग 120 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 120 साल पहले बाइबल इतना भारी हुआ करता था, कंधे पर रख के लोग ले जाते थे। लेकिन धीरे 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 प्रभु ने टेक्नोलॉजी का इतना विस्तार किया कि आज पवित्र बाइबल हम सब बड़े आसानी से ले जा सकते हैं। बल्कि मैं तो ट्रैवलिंग के समय भी थोड़ा बहुत बाइबल स्टडी कर लिया करता हूँ, तो मेरे मोबाइल पर हिंदुस्तान की 5 भाषाओं में पवित्र बाइबल है। उसके अलावा अंग्रेजी में है और यूनानी भाषा में है। आप कहेंगे बाप रे बाप, ये कुछ भी नहीं है। यदि आपके पास अच्छे किस्म की मोबाइल हो तो उसमें 50 भाषाओं में आप बाइबल ले जा सकते हैं। प्रभु ने यह अनुग्रह दिया कि आज दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पवित्र बाइबल
ना पहुंचा हो। यदि आपका कोई दोस्त कहता है कि मैं तो नहीं देख पाया, उससे पूछिए कि उसकी भाषा क्या है, मुझे बताइए, उस भाषा में पवित्र बाइबल मैं आपको भेजने के इंतजाम करूंगा और आप आराम से व्हाट्सएप के द्वारा पवित्र बाइबल उसकी भाषा में उसके मोबाइल पर भेज सकते हैं, जिसको वो अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में पढ़ सकता है। सबसे आखिर में मैं अपने एक अभिन्न मित्र और प्रभु के एक दास के बारे में बताकर ये आज का प्रवचन समाप्त करना चाहता हूँ। उनका नाम है पीटी थॉमस। एक महीने पहले मेरी आखिरी मुलाकात हुई। बहुत ही कमज़ोर हैं, लेकिन इसके बावजूद एक कार्य के लिए जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश में जो भील लोग हैं, भील गोत्र की भाषा में बाइबल का अनुवाद उनके जीवन का लक्ष्य था। इस लक्ष्य के साथ उन्होंने जाकर भाषा शास्त्र में एमए किया। इसके बाद लगभग एक साल चंबल में ग्वालियर आकर हमारे साथ रहे। उनको मैंने, मेरे पिताजी ने और हमारे बगल में एक मास्टर साहब रहते थे, जमकर उनको हिंदी की ट्रेनिंग दी। हिंदी ट्रेनिंग लेकर मध्य प्रदेश में झाबुआ नाम के प्रदेश में जाकर बस गए। बहुत जीवन में उन्होंने संघर्ष किया, तबीयत के साथ संघर्ष किया, स्वास्थ्य के साथ संघर्ष किया, संघर्ष ही संघर्ष उनका जीवन था। लोगों ने कहा कि भील लोगों की भाषा में बाइबल ट्रांसलेशन आपके पहले 50-100 लोग कोशिश कर चुके हैं, छोड़िए, किसी के वश की बात नहीं है। उन्होंने पूर्ण समर्पण के साथ काम करना शुरू किया। पहले प्रभु यीशु की जीवनी का अनुवाद किया, उसके बाद एक एक करके संपूर्ण नए नियम का अनुवाद किया, छापा। वार्तार ईशुनी नाम से वो इस समय उपलब्ध है, भील लोगों की भीली भाषा में, जिसके लिए अक्षर हिंदी का उपयोग किया गया है, क्योंकि भीली का अपना कोई अक्षर नहीं है। इस समय वे भाई पुराने नियम के अध्ययन जो अनुवाद में जुटे हुए हैं। संघर्ष से भरी हुई जिंदगी, उस आदमी को देखकर कोई नहीं कह सकता कि इस आदमी में इतनी ऊर्जा होगी कि यह अनुवाद कर सके, लेकिन इसके बावजूद वो भाई लगे हुए हैं। इस तरह से हजारों लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानी देकर पवित्र बाइबल को भारत की बहुत सारी भाषाओं में पहुंचाया है। जब भी पवित्र बाइबल आप अपनी भाषा में अपने हाथ में लें, हिंदी, उड़िया, बंगला, भोजपुरी या और किसी भाषा में हाथ में लें, इस बात को कभी ना भूलें, आपको आपकी भाषा में प्रभु का वचन देने के लिए कितने लोगों ने अपने जीवन का इवन प्राण त्याग किया, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। क्यों? इसलिए कि एक बात जानते थे, जीवन देने वाला वचन है और प्रभु ने मुझे बुलाया है कि इस जीवन देने वाले वचन को लोगों को उनकी भाषा में पहुंचाऊं। जब उन लोगों ने जीवन देने वाले वचन को मेरे आपके पास पहुंचाने के लिए इतना श्रम किया, अपना जीवन तक मौत के हाथ में झोंक दिया, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि प्रभु के वचन को नियमित रूप से पढ़ें, कम से कम उनके त्याग को याद करें, साथ साथ याद रखें। अच्छी बातें दुनिया में हर जगह मिल जाएंगी, सही बातें, जीवन का वचन सिर्फ प्रभु के वचन में है। प्रिय भाई और बहनों, काफ़ी देर से आप लोग इस प्रोग्राम को देख रहे थे, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मुझे यकीन है कि इन कार्यक्रमों को देखने के द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा। मेरा एक अनुरोध है, इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब नाम का एक बटन है, उसको दबाएं, और उसके बाद घंटी का एक बटन आपको दिखाई देगा, उसको भी यदि दबाएं, तो अब जो भी वीडियो हम पोस्ट करेंगे उसकी जानकारी तुरंत आपको मिल जाएगी, जिससे कोई भी मूल्यवान वीडियो आप मिस नहीं करें। आज ही ये काम कीजिए, प्रभु आपकी मदद करें।